आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ MIUI 12 और Android 10 का अपडेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ Xiaomi के सेकंड बैच के डिवाइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग न्यूज लेके आया है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड 10 से लेकर। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड 10 का जो अपडेट है रेडमी नोट 8 प्रो में फाइनली और एक बार फिर से रोल आउट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये अपडेट जो रोल आउट किया गया है ये पब्लिकली रोल आउट किया गया है। दोस्तों इससे पहले भी Redmi Note 8 Pro डिवाइस के लिए Android 10 का अपडेट रोल आउट किया गया था, पर उसे कुछ प्रॉब्लम की वजह से रोल बैक कर लिया गया। अगर आपने Redmi Note 8 Pro डिवाइस में अभी तक चेक नहीं किया तो अपने चेक फॉर अपडेटर ऐप के थ्रू एक बार जरूर चेक कर लें, आपको वहाँ पर Android 10 का अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला जो डिवाइस है Redmi 8 और Redmi 8 है, इसी डिवाइस के बारे में भी बता दें दोस्तों, इसी डिवाइस को भी इंडिया स्टेबल अपडेट में एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिल चुका है और साथ में ग्लोबल और रशियन जैसे कंट्री में भी देखने को मिला है। दोस्तों इसी डिवाइस के लिए भी एक बार एंड्रॉयड 10 का अपडेट रोल आउट किया गया था, पर उसे टेस्टर यूजर के लिए और पार्सली अपडेट रोल आउट किया गया था, पर आज Xiaomi की तरफ से इसे पब्लिकली यूजर के लिए रोल आउट कर दिया गया है। उसके बाद Redmi Note 7, Note 7 ऐसे इन दोनों डिवाइस के लिए दोस्तों अभी पार्सली अपडेट रोल आउट किया गया है, ना कि पब्लिकली यूजर के लिए। दोस्तों आप देखते हैं आने वाला समय में इन सभी डिवाइस के जो यूजर है जो Redmi Note 7, Note 7 यूज करते हैं उन सभी को जल्दी Android 10 का जो अपडेट है वो आप सभी को पब्लिकली यूजर को जल्दी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो डिवाइस है Redmi Note 8 और Redmi 7, इन दोनों डिवाइस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है Xiaomi की तरफ से, क्योंकि इन दोनों डिवाइस का जो इन्फॉर्मेशन है वो ना ग्लोबल में, ना चाइना में, ना इंडिया में कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है एंड्रॉयड 10 से लेकर। अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं आने वाला समय में आप सभी को जल्द ही इस अगस्त मंथ के दौरान में इन दोनों डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिल जाए। उसके बाद Redmi 7 है और Redmi Note 7 Pro, इन दोनों डिवाइस के बारे में भी दोस्तों अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि इन दोनों डिवाइस को एंड्रॉयड 10 का जो अपडेट है वो अभी तक पब्लिकली यूजर को देखने को नहीं मिला है, इसे भी पार्सली यूजर को ही देखने को मिला है, यानी कि टेस्टर यूजर को। Redmi 7 डिवाइस को तो चाइना में कब का अपडेट देखने को मिल चुका था, पर अभी तक हमारे इंडिया में अच्छे तरह से देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों MIUI 12 से लेकर कि MIUI 12 सेकंड बैच के डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस को देखने को मिला है। तो दोस्तों MIUI 12 का जो अपडेट है वो ऑलमोस्ट सेकंड बैच के सभी डिवाइस को देखने को मिल चुका है, Redmi 7A, Redmi Note 7, Note 7S, Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, MI 10, Redmi K20, Redmi K20 Pro, ऑलमोस्ट सभी डिवाइस को देखने को मिल चुका है। अब बात करते हैं कि इन सभी डिवाइस के जो यूज़र हैं, बहुत सारे यूजर का ये कहना है कि अभी तक देखने को नहीं मिला है, पर देखते हैं कब तक देखने को मिलेगा, आने वाला समय में हो सकता है आपसे वो जल्दी देखने को मिल जाए। उसके बाद Redmi 7 और Redmi Note 8 और Redmi 8 और Redmi 8A, इन सभी डिवाइस का जो अपडेट है MIUI 12 का, उम्मीद है कि इस सितंबर मंथ के दौरान में आप सभी को मिलना स्टार्ट हो जाए। मैं भी शायद हो सकता है आप सभी को एक्सपेक्ट करके तो हम बता रहे हैं कि आप सभी को इस सितंबर मंथ के दौरान में आप सभी को Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 8, Redmi 8, Redmi 8A, इन सभी डिवाइस में अपडेट देखने को मिल जाए। अब देखते हैं आने वाला समय में क्या होता है। और आप सभी को पता है MIUI 12 का जो अपडेट है वो Redmi Note 7, Note 7S, Note 7 Pro और Redmi Note 8 Pro जैसे डिवाइस में ही अभी तक देखने को मिला है, और खासकर Redmi Note 9 डिवाइस में भी देखने को मिला है। अब देखते हैं आने वाला समय में क्या होता है, अब कौन कौन से डिवाइस को अपडेट देखने को मिलता है वो समय ही बताएगा। तो दोस्तों अगर ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।